रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर। गढ़वा जिले के बडीहा प्रखंड के लिए तलाश रिपोर्टर की आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें या फिर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत थाना परिसर में होली त्योहार को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी अमरेंद्र डांग ने किया, जहां थाना प्रभारी सुधांशु कुमार, एएसआई सुरजीत चौधरी, एएसआई द्वारिका मांझी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा देवी, महिला सांसद प्रतिनिधि शोभा देवी, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष एसएन त्रिपाठी, मुखिया शेख अमरुद्दीन अंसारी, भगवान दत्त तिवारी, दीपक जी, अशोक कुमलापुरी सहित लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं इस बैठक में सभी प्रतिनिधि ने होली त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द तरीके से मनाने को लेकर अपने अपने मंतव्य एवं सुझाव दिए। बताते चले कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभा को एवं प्रखंड वासियों को होली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण से होली का त्योहार मनाएं। शराब पीकर बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। उन्होंने कहा कि रंगों का त्योहार होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है तथा सभी नफरत और हिंसा की भावना को दरकिनार करते हुए मिलजुलकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं। उपायुक्त राजेश कुमार पाठक के निर्देश अनुसार गढ़वा जिले के सभी प्रखंड में शराब की दुकानों को होली के दिन बंद करने का निर्देश दिया गया। ध्वनि तरंग को भी तेज आवाज में बजाने का मनाही है।